तो अभी मैं क्या कर रही थी, मैं लगा रही थी ये अंडर आई क्रीम, जो कि है बहुत ज्यादा इफेक्टिव। इसको आप अपने नाइट में यूज करना है एंड आपके डार्क सर्कल, रिंकल, फाइन लाइन सारी कुछ खत्म हो जाएंगी एंड बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो अगर आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, आईज के नीचे लाइंस पड़ जाते हैं, मेकअप में केकी हो जाते हैं, तो आप ये अप्लाई करके मेकअप करके देखिए, आपका जो मेकअप होगा वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और आपके स्किन पे जो डार्क सर्कल, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है एंड मेकअप जो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी बेस्ट है। लेकिन डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए इसको आपको डेली बेसिस पे यूज करना है एंड सिर्फ मेकअप कर रहे हो तो मेकअप से करने से 5 मिनट पहले अप्लाई करना है, वरना इसको आप रात डेली यूज कीजिए तो आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम और रिंकल, फाइन लाइन की प्रॉब्लम से खत्म। तो आज मैं करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल फॉर वेस्टर्न ड्रेस। तो इस तरीके से मैं बालों को साइड पार्टीशन कर रही हूँ एंड इस बालों को इस साइड अच्छे से टाइटली होल्ड कर ले रही हूँ ताकि ये हेयर स्टाइल बनाने में हमको डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद हम इस साइड के हेयर को ले रहे हैं एंड इसके लिए आपके पास होने चाहिए इस तरीके के सेम कलर के 4-5 रबर बैंड, ताकि जो हेयर स्टाइल बनाए वो प्रॉपरली बने हमारा। उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से प्रॉपर लाइन के साथ आपको हेयर को उठाना है। ओके और इस तरीके से रबर बैंड को लगा लेना है। इस तरीके से करना है देना, इस तरीके से। घुमा देना है एंड इसको टाइट कर लेना है, ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसे ही आपको सेकेंड लेयर लेना है, फिर से रबर बैंड लेंगे ऐसे ही करके आपको सारे लेयर्स बनाने हैं। फिर थर्ड लेयर लेंगे, और इस तरीके से रबर बैंड लगा देंगे। नेक्स्ट फोर्थ लेयर, काफी प्यारा है और बहुत इजी है, तो कोई भी इसको बना सकता है। ओके आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो और इस साइड के हेयर को, सारे हेयर को एक साइड लाके इस तरीके से कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा भी लगता है और बहुत इजी है। इसको थोड़ा मेकअप के साथ आप करोगे ये हेयर स्टाइल तो काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से आप बना लोगे। और लेकिन आपको अगर खुले नहीं रखने हैं उस केसेस में आपको क्या करना है, फ्रंट से थोड़ा सा हेयर इस तरीके से ले लेना है एंड सारे हेयर को इस तरीके से ऊपर की तरफ कॉम कर लेंगे। ओके आप चाहो तो इसके साथ आप हाई बन भी बना सकते हो। इस तरीके से रबर बैंड लेंगे और लगा लेंगे। टाइट कर लेंगे देन फ्रंट से इस तरीके से खींच लेंगे हेयर को। इस साइड के हेयर को कॉम करके कान के पीछे रखेंगे। अगर लंबे होंगे बाल तो आप इसको पोनी के चारों तरफ लपेट सकते हो।
लड़कियों के लिए बेस्ट रहेगा, वेस्टर्न ड्रेस के लिए बेस्ट रहेगा, कॉलेज आने वाली लड़कियों के लिए भी अच्छा रहेगा एंड छोटी बच्चियों पे भी काफी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। एंड पोनी को हाई दिखाने के लिए आपको क्या करना है, पोनी को हाई दिखाने के लिए आपको कैमरे को थोड़ा ऊपर करना है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एंड इसको इस तरीके से रखना है, एक हॉल करना है इस तरीके से और सारे हेयर को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेके जाना है एंड ऐसे खींच देना है और टाइट कर देना है, बस दैट्स इट। और जो आपका हेयर स्टाइल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो कुछ इस तरीके का लुक आपको बैक से मिल जाएगा एंड फ्रंट से इस तरीके का लुक दिखेगा। सारे हेयर को फ्रंट में कर दीजिए। तो कैसा लगा आपको ये हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियोस देखने के लिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ एंड शॉर्ट्स भी देखते रहिएगा मेरा, शॉर्ट्स में भी आपको अमेजिंग हेयर स्टाइल्स एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स और मेकअप सीक्रेट्स देखने को जानने को मिलेंगी। तो कैसा लग रहा है आपको ये हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको ऊपर से नहीं रखना है तो इस तरीके से भी ये काफी अच्छा लग रहा है एंड इसको अगर थोड़ा सा और यूनिक बनाना है तो आप थोड़ा सा हेयर का पार्ट लेके रबर बैंड के चारों तरफ इस तरीके से लपेट दीजिएगा और एक यू पिन से इसको सिक्योर कर दीजिएगा। सॉरी, जहां पे आपका लास्ट पॉइंट खत्म हो रहा है वहीं पे आप यू पिन लगाइएगा। तो कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इस तरीके की अमेजिंग हेयर स्टाइल एंड मेकअप ट्यूटोरियल से रिलेटेड, हेयर केयर, स्किन केयर से रिलेटेड और वीडियोज आप देख पाओ। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक भरपूर दीजिएगा, आप लोग के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।